सर अमेरिका में राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की है और संघ को लेकर कहा कि संघ एक विचार है जबकि भारत में नहीं विचार। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान समय में हमारा सौभाग्य कि दुनिया हमसे हमारे नेतृत्व से अपेक्षा कर रही है कि दुनिया में अगर शांति संभव है तो भारत में इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे यूक्रेन युद्ध से लेकर के रूस तक की जो बात है उसमें भारत के प्रधानमंत्री से दुनिया के अन्य देशों के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं, ये कांग्रेस के खून में या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जीन्स हैं वो उजागर होते हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हो भारत को बदनाम करते हैं, चीन की वो हमेशा प्रशंसा करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये चीन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं, जैसे पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिग्विजय सिंह भूमिका निभाते हैं, ऐसे ही चीन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राहुल गांधी भूमिका निभा रहे हैं।